हे दोस्तों, आज मैं ऐसे साउंड बार की वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मुझे इस साउंड बार को टेस्ट करते हुए काफी मजा आया है। दोस्तों ये काफी कम बजट का साउंड बार है, पर उसके बावजूद भी दोस्तों आपको इसमें जो भी चीजें मिलने वाली है एकदम प्रीमियम मिलने वाली है। चाहे इसकी लुक की बात करें, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, या सबसे मेन इसकी वॉल्यूम की बात करें, आपको बिल्कुल सब कुछ आपको प्रीमियम मिलने वाला है। दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कंपनी इस बजट में भी इतने अच्छी क्वालिटी में ये साउंड बार कैसे निकाला है। तो ये कौन सा साउंड बार है दोस्तों? ये है जेब्रोनिक का। अगर इसके मॉडल नंबर की बात करें तो वो है 2601। तो दोस्तों आज इसके ऊपर पूरी वीडियो रहने वाली है। इसका क्या प्राइसिंग है मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये कैसा साउंड बार है सब कुछ आज बिल्कुल ही डिटेल में आपको बताने वाला, ये पूरी साउंड बार का रिव्यू रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों इसमें टोटल आपको साउंड मिलता है 60 वॉट का। इसमें 30-30 वॉट के आपको दो स्पीकर मिलते हैं जिसका टोटल आउटपुट मिलता है आपको 60 वॉट का। और दोस्तों इसमें यूएसबी सपोर्ट मिलता है, तो इसमें मैक्सिमम जो आप यूएसबी लगा सकते हो 32 GB तक ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों अगर इसके वेट की बात करें तो ये 1.8 kg का इसमें वेट है, पर इतना ज्यादा ये दोस्तों इसका वेट महसूस नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे इस स्पीकर के स्पेसिफिकेशन। अब मैं दोस्तों इसके साथ में क्या क्या आता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसके साथ में आपको इसका ये रिमोट मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और काफ़ी सारे इसमें फंक्शन मिलते हैं जो क्या क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों ये इसका चार्जर मिलता है। और दोस्तों ये मैं आपको इसमें पहले ही बता दूं, इसमें बैटरी नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आपको ये चलाना है डायरेक्टली दोस्तों आपको इसको पावर बैंक लगा के तब चलाना पड़ेगा। इसमें किसी भी टाइप का आपको बैटरी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप इसको बाहर ले जाके पार्टी वार्टी नहीं कर सकते, घर के अंदर का साउंड बार है। तो दोस्तों ये था इसके साथ में आने वाला सामान और इसके स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको साउंड बार दिखा देता हूँ कैसा मिलता है। तो ये है दोस्तों ये साउंड बार जो मैंने बताया था दोस्तों, काफी प्रीमियम आपको मिलता है। अगर दोस्तों इसके कलर की बात करें तो बिल्कुल पियानो ब्लैक आपको इसमें कलर मिलने वाला है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें शाइनिंग मिलती है। अगर दोस्तों ये आप टीवी के साथ में लगाते हो तो बिल्कुल उसके साथ में मैच करेगा, ऐसे लगेगा दोस्तों ये टीवी के साथ में ही है। देखने में दोस्तों दोनों ही चीज काफी बढ़िया लगती है। अगर इसके लुक की बात करें तो काफी प्रीमियम लगता है। आगे की तरफ आपको इसमें जाली मिलेगी, जाली भी इसमें अच्छी क्वालिटी की दी गई है। ये मेटल की दोस्तों इसमें जाली मिलती है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कपड़ा या प्लास्टिक लगाई है, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें मेटल की जाली मिलती है जो फिर बोलूंगा दोस्तों इसको काफी बढ़िया बना देती है। तो देखने में भी इसको काफी अच्छा बना देती है और दोस्तों ये काफी इसको टफ भी बना देती है। पीछे की तरफ डिजाइन स्पीकर का डिजाइन मिलेगा। ये इसमें दोस्तों स्पीकर नहीं है, स्पीकर तो खाली इसमें आगे की तरफ ही आपको दो मिलते हैं जो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करें दोस्तों इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। बटन बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते, मैं आपको बटन दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ की साइड की तरफ आपको इसमें बटन मिलता है। यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से बटन काम करता है। एक तो दोस्तों आपको इसको प्रेस कर सकते हो और इसको दोस्तों आगे पीछे कर सकते हो। ये जो प्रेस करके दोस्तों इसके आप चैनल बदल सकते हो। ये इसको तीन तरीके से आप चला सकते हो, टीवी से कनेक्ट करके, क्योंकि दोस्तों इसमें HDMI लगती है, दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें USB लगती है, और तीसरा दोस्तों आप इसके ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके आप इससे ब्लूटूथ से भी इसको चला सकते हो। तो दोस्तों तीनों का ही आपको यहां से करने का मिलता है, इसको ऑन ऑफ या दोस्तों ये इसके चैनल जो आप बदल के इसको चलाना चाहते हो। बाकी दोस्तों मैंने इसको बता दिया, आप ऐसे करके इसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों ये इसका सिंगल बटन जो ये दो काम आपके करता है। बात करें दोस्तों इसके पोर्ट्स की, ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें DC पोर्ट मिलेगा जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसमें चार्जर यहाँ पे आपका लगेगा। नीचे की तरफ इसमें USB पोर्ट मिलेगा, उसके नीचे इसमें HDMI पोर्ट मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो आपको HDMI आउटपुट जो मिलता है खाली आपको सिंपल नहीं मिलता है दोस्तों, इसमें आपको ARC वाला मिलता है। ये ARC क्या है तो ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा, बस अभी आप दोस्तों ये जान लीजिए कि ये जो ARC पोर्ट मैंने देखा है HDMI वाला, ये आपको प्रीमियम साउंड बार में ही मिलता है, पर इस प्राइस में भी आपको ये ARC पोर्ट मिल रहा है। तो ये बोलूंगा अगेन दोस्तों काफी बढ़िया कंपनी ने करा है। तो दोस्तों ये थे इसके पोर्ट्स एंड बटन्स। अब मैं दोस्तों इसको ऑन करके दिखाने वाला हूं ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये इसको कैसे चलाते हैं ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और दोस्तों आगे की तरफ आपको इसमें LED लाइट मिलेगी, ये क्या काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर ये आगे की तरफ यहाँ पे LED लाइट है, अगर ये ब्लू जल रही है तो दोस्तों समझ लो ये आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकती है। और दोस्तों अगर आप इसको TV से कनेक्ट करना चाह रहे होगे तो इसमें ग्रीन लाइट जलेगी, तभी आप अपने TV से कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों रेड लाइट जलेगी तो अभी तक दोस्तों ये किसी चीज से भी कनेक्ट नहीं है, तो आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है इसके अलग अलग लाइटें जो आपको अलग अलग चीजें बताने वाली है। अब दोस्तों मैंने इसको अपने फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाने वाला हूं कैसे मिलता है, क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं। तो दोस्तों आप इसका साउंड सुनिए पहले।
दोस्तों ये इसका 100% पे वॉल्यूम है। अब मैं आपको इसके 50% वॉल्यूम पे सुना देता हूँ कैसा साउंड आता है। ये मैंने 50% कर दिया है, 50% पे दिखाता हूँ दोस्तों इसमें कैसी आवाज आती है आपको। इसके मैं स्पीकर दिखा देता हूँ दोस्तों कहाँ कहाँ से आपको आवाज आने वाली है, इसके स्पीकरों की कहाँ कहाँ इसमें स्पीकर मिलते हैं। तो दोस्तों एक तो आपको इस साइड मिलेगा स्पीकर और एक दोस्तों यहाँ पे आपको इस साइड मिलेगा। अब दोस्तों मैं फिर से आपको 100% पे इसमें वॉल्यूम लगा के दिखाने वाला हूँ कैसी आवाज आती है। तो ये है दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों क्योंकि मैं समझता हूँ वीडियो में इतने अच्छे से नहीं सुनाई देता है, तो दोस्तों अगर आप इसके सामने से वॉल्यूम सुनते हो तो एक चीज बोलोगे दोस्तों इसकी वॉल्यूम की आवाज सुन के कि काफी प्रीमियम आपको साउंड वार की आवाज आ रही है। दोस्तों ये काफी प्रीमियम आपको इसमें 100% पे दोस्तों मैंने इसकी आवाज सुनाई थी। 100% पे होने के बाद में भी दोस्तों ये इसकी आवाज फटती नहीं है, आपने खुद भी देखा है। नहीं तो दोस्तों ज्यादातर साउंड बार की अगर इस प्राइस में लेते हो तो दोस्तों 100% वॉल्यूम पे उसकी आवाज फटनी शुरू हो जाती है। जो कि दोस्तों मैंने कितने भी इसमें गाने सुने 100% वॉल्यूम पे, मेरे को किसी भी गाने में दोस्तों चाहे ज्यादा बेस वाला गाना हो चाहे किसी भी टाइप का गाना हो बिल्कुल भी दोस्तों इसकी आवाज फटी नहीं है और काफी अच्छी दोस्तों इसमें बेस भी मिलती है। दोस्तों खाली आपको इसमें 30 वॉट के स्पीकर मिलते हैं पर इतनी अच्छी लाउडनेस के साथ में आते हैं, इतनी दोस्तों इसमें बेस वाले मिलते हैं क्योंकि किसी भी टाइप का आपको इसमें सब बूफर नहीं मिलता है दोस्तों। नॉर्मल इसमें स्पीकर मिलते हैं पर काफी अच्छी बेस के साथ में आते हैं। तो दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी ये बोलूंगा मैंने जितने भी इस प्राइस में दोस्तों मैंने जितने भी साउंड बार देखे हैं या जितने भी स्पीकर देखे हैं दोस्तों मेरे को इतनी अच्छी वॉल्यूम मैंने किसी में भी नहीं देखी है। आपको 4-5 स्पीकर लेने की बजाय आप खाली यही लेते हो एक साउंड बार तो आपको इसमें घर पे रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज्यादा इसका फैलावा भी नहीं होगा और साउंड भी आपको बहुत क्लियर मिलेगा। तो दोस्तों ये इसके कुछ सॉन्ग थे जो आपको मैंने सुना दिए। अब मैं कुछ दोस्तों इसके डायलॉग सुनाने वाला हूं इसमें कैसी आवाज आती है उस डायलॉग में। तो दोस्तों अगर आप इसमें मूवी देखते हो तो आपको कैसा इसमें साउंड आने वाला है तो मैं ये आपको इसमें RRR का एक सीन लगा के दिखाने वाला हूं कैसा इसमें दोस्तों आपको साउंड मिलने वाला है अगर आप इसमें मूवी देखते हो। तो दोस्तों ये है इसमें मूवी देखने का एक्सपीरियंस। मैं ये बोलूंगा दोस्तों अगर आप इसमें कोई भी मूवी देखते हो किसी भी टाइप का आपको डायलॉग आता है तो दोस्तों सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देने वाला है, चाहे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा हो चाहे कोई आदमी कोई डायलॉग बोल रहा हो सब कुछ आपको इसमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देने वाला है चाहे आप इसकी 100% वॉल्यूम पे भी सुन रहे हो। तो दोस्तों ये चीज बोलूंगा इसके साउंड को भी सुन के मैंने, क्योंकि दोस्तों सामने से सुन रहा हूं तो मेरे को ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है, आपको इतने अच्छे से पता नहीं चल पा रहा होगा। तो दोस्तों साउंड के मामले में इसकी क्लियरिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगी है, चाहे किसी भी टाइप का आपको डायलॉग हो चाहे किसी भी टाइप का आपको इसमें म्यूजिक सुनाई दे रहा हो। और दोस्तों इतना ही नहीं ये काफी लाउड भी आपको सुनाई देने वाला है। तो ये बोलूंगा दोस्तों अगर आप कोई साउंड बार देख रहे हो आपका बजट कम है कोई मूवी देखने के लिए साउंड बार देख रहे हो जो आपके मूवी एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छा कर सके तो दोस्तों बिल्कुल आपको इस साउंड बार को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। आपको कम बजट में ये वाला साउंड बार एक बार जरूर चेक करना चाहिए, लेना चाहिए। मेरे को तो दोस्तों ये साउंड बार काफी बढ़िया लगा है, चाहे इसके बेस के बारे में बोले चाहे इसके डायलॉग डिलीवरी के बारे में बोले सबको आपको बहुत अच्छे से सुनाई देने वाला है, चाहे इसके वॉल्यूम के बारे में बोले दोस्तों वो भी काफी लाउड आपको सुनाई देने वाला है। और दोस्तों कंपनी का जेब्रोनिक का दोस्तों ये वैसे भी साउंड बार में बहुत ही अच्छा काम कर रही है दोस्तों, इसके हर बजट में साउंड बार आता है। मेरे को ये लगता था दोस्तों ये कम बजट में अच्छा साउंड बार नहीं निकालेगी, इस बात से एग्री नहीं करता कि ये कम बजट में अच्छा साउंड बार नहीं निकालती है, ये कम बजट में भी ये कंपनी काफी अच्छा साउंड बार दे रही है आपको किसी भी तरीके से बोले। अब बात करते हैं दोस्तों इसके HDMI ARC पोर्ट की ये क्या काम करता है। तो दोस्तों अगर आपके पास टीवी है खासकर दोस्तों नए वाले जो टीवी है इनमें ये चीज आ रही है
तो उसमें भी अगर आपको एआरसी पोर्ट मिलता है, जो कि दोस्तों मेरे वाले टीवी में भी एआरसी पोर्ट है और इसमें भी ये चीज मिल रही है, तो दोस्तों दोनों को आप कनेक्ट करके बहुत अच्छी वॉल्यूम आपको सुनाई देने वाली है। यही बोलूंगा दोस्तों, अगर एआरसी के बारे में आपको नहीं पता और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च कर आप पता कर सकते हो ये एआरसी क्या काम करता है। दोस्तों अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो ये 3000 रुपए में इस टाइम फ्लिपकार्ट मिल रहा है, 2999 रुपए का ये इस टाइम फ्लिपकार्ट मिल रहा है। पर अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से लेते हो तो शायद आपको ये थोड़ा और कम में मिल जाएगा। मैंने ये ऑफलाइन स्टोर से लिया है, थोड़ा मेरे को दोस्तों ये कम पड़ा है। पर ये बोलूंगा दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग फ्लिपकार्ट के भी रखें, 3000 रुपए भी इसके प्राइसिंग अगर लगा के चले तो दोस्तों 3000 रुपए में आपको इसमें बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट आपको डिजाइन मिलेगा, बेस्ट आपको लुक मिलेगी, बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी के आपको इसमें साउंड मिलेगी, बेस आपको काफी ज्यादा बेस वाला आपको इसमें साउंड मिलेगा। मैंने दोस्तों इसको टीवी से कनेक्ट करके मैच देखा है, मैच में भी दोस्तों काफी अच्छी आवाज आ रही थी। मैंने इसमें 2-3 मूवी देखी है, मैंने इसमें एंड गेम मूवी देखी है, तो दोस्तों एंड गेम मूवी भी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मैंने काफी बार पहले भी देख रखी है, पर दोस्तों इसको लगाने के बाद में काफी बढ़िया आपको उसके आवाज आने वाली एंड गेम की, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी ज्यादा आपको म्यूजिक सुनाई देने वाला एंड गेम में टाइप का आपको साउंड बार लगा के आप टीवी में देखते हो एंड गेम, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, जो कि मेरे को इस साउंड बार से मिला है। तो ये बोलूंगा दोस्तों, अगर आपका बजट कम है, 3000 रुपए तक का है, या दोस्तों 2000-2500 रुपए तक का भी है, तब भी मैं बोलूंगा थोड़े आप पैसे और जोड़ो, 3000 रुपए तक का आप बजट बनाओ, तो दोस्तों ये आपके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको ये वाला जरूर इसे देखना चाहिए और दुकान पे जाके देखना चाहिए, और दोस्तों मेरे हिसाब से तो लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा साउंड बार मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो ये साउंड बार दे रहा है। मेरे को इस साउंड बार ने दोस्तों काफी इंप्रेस करा है। दोस्तों अगर आपको ये वाला साउंड बार लेना है तो मैं इस साउंड बार की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस साउंड बार को ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।